आधी रात को आखिर क्या हुई अंकित और प्रियंका की बात? अंकित ने ऐसी कौन सी बात कह दी प्रियंका को जिससे पूरा माहौल काफी ज्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पर अंकित भी बेहद सीरियस नजर आए पहली बार। पहली बार कुछ इस तरह से प्रियंका को बहुत सीरियसली कुछ बोलते नजर आए, और वो भी आधी रात को। वेल, हमने आपको दिखाया कि कैसे लाइव फीड में जो अंकित हैं वो बेचैन दिखे प्रियंका को लेकर। प्रियंका जो है वो नाराज़ हो जाती है अंकित से, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है, जिसके बाद अंकित जो है वो प्रियंका को मनाने जाते हैं, यानी कि जो प्रियंका है वो अर्चना के पास चली जाती हैं और अर्चना से बात कर रही होती हैं, उनके बेडरूम में चली जाती हैं, और उनका प्लान होता है कि वो वहीं पर सो जाएं और वो प्रियंका जो है वो अंकित से कोई बात ना करें। लेकिन यहाँ पर जो अंकित हैं वो काफ़ी बेचैन नज़र आते हैं प्रियंका के लिए, क्योंकि उन्हें प्रियंका से बात करनी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बिग बॉस के घर में अंकित जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं प्रियंका को लेकर। ये देख लीजिए, यहाँ पर अंकित जो है वो प्रियंका से चलने के लिए कहते हैं। पहले तो प्रियंका जो है वो मना करती हैं, लेकिन फिर वो अंकित के साथ जाती हैं। अंकित जो है यहाँ पर प्रियंका से बहुत बड़ी बात कहते नजर आते हैं। जब प्रियंका जो है वो अंकित से कहती हैं कि तू जाना क्यों परेशान है, जाके सो जा तू, जिसके बाद अंकित कहते हैं कि अगर मुझे ही सोना होता तो मैं तेरे पास नहीं आता, मुझे बात करनी है तुझसे। जैसे ही ये बात अंकित बोलते हैं प्रियंका बेहद इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि प्रियंका जो है वो अंकित को कितना प्यार करती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अंकित भी प्रियंका को काफ़ी प्यार करते हैं, और अभी तक तो आप सबने देखा ही होगा कि भाई दिन के उजाले में, यानी कि आप सबने दिन में बिग बॉस के घर में अंकित और प्रियंका को साथ में देखा होगा, लेकिन वहाँ पर अंकित और प्रियंका जो है वो अलग ही मूड में नजर आते थे। अंकित जो है वो काफ़ी मस्ती के मूड में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आधी रात को बहुत सीरियसली बात करते दिख रहे हैं अंकित गुप्ता प्रियंका चाहर चौधरी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकित की बात सुनकर प्रियंका भी काफ़ी हैरान रह जाती हैं। हालांकि अब प्रियंका को भी एहसास हो गया है कि अंकित भी उससे प्यार करने लगे हैं। तो भाई अब ये जोड़ी जो है वो सुपर डुपर हिट तो पहले से थी, और बिग बॉस के घर में अब सभी को पता चल जाएगा कि ये जोड़ी जो है वो रियल है। साथ ही प्रियंका और अंकित एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक परफेक्ट कपल है। अब इस जोड़ी के लिए फैंस यही दुआ करेंगे कि दोनों की जल्द ही शादी हो जाए। फिलहाल अंकित और प्रियंका की ये जो प्यारी सी बॉन्डिंग है इसे देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं, और अब तो लगातार अंकित और प्रियंका की इसी तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बिग बॉस का गेम आगे बढ़ेगा वैसे ही प्रियंका और अंकित की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और नो डाउट आप सबको ये बॉन्डिंग बेहद इमोशनल भी करने वाली है। आप सबको भी एहसास हो जाएगा कि अंकित और प्रियंका एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और फैंस को भी इस बात पर काफ़ी फक्र होगा कि जैसा उन्होंने सोचा था अंकित और प्रियंका के बीच बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि अंकित और प्रियंका की इस जोड़ी को बनाने में फैंस का भी ज़बरदस्त हाथ है, क्योंकि ये जोड़ी जो है वो फतेजो के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और अब ये जोड़ी प्रियंकित के नाम से बिग बॉस में चर्चे बटोर रही है। और अब देखिए यहाँ पर अंकित गुप्ता भी प्रियंका को लेकर ज़बरदस्त फीलिंग्स रखते नज़र आ रहे हैं। तभी तो देख लीजिए ना, उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर मुझे अकेले सोना होता, अकेले मुझे यहाँ पर जाना होता तो मैं तेरे पास ही क्यों आता। यहाँ पर अंकित जो है वो बहुत सीरियसली बोलते नज़र आते हैं प्रियंका से, और बहुत ही ज़्यादा खुद भी वो सीरियस दिख रहे हैं। और आपको पता ही है कि अंकित जो है जब सीरियस होते हैं तो क्या होता है, भाई आप सबने तो देख ही लिया है इसका एग्जांपल। जब वो डारिया में एज अ फतेह नज़र आए थे तो तेजो के लिए कितना सेक्रीफाइस करते नज़र आए थे, और अब देखिए यहाँ पर रियल में लगता है अंकित सेक्रीफाइस कर रही हैं प्रियंका के लिए, और उनके लिए काफ़ी बेचैन नज़र आए और साफ साफ कह दिया कि वो उनके साथ चलें। फिलहाल आप सब क्या कहेंगे इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।